सभी लोग मिलकर किस प्रकार से एससी एसटी का शोषण करते हैं उसको उन्होंने चित्रित करने की कोशिश किया है। हितेश आया है, संदीप भाव ने पूरा ठूस लिया गुपचुप। ये बच्चों का तो लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा है कि मैंने वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज ले लिया था और अभी आज का सेकेंड डे है। तो जो रात में ऐसा हुआ कि जो मेरा लेफ्ट वाला हैंड था जहाँ पर वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा था वो थोड़ा सा पेन हो रहा था, थोड़ा सा फीवर जैसा भी फील हो रहा था। इफेक्ट करती है जब वैक्सीनेशन का हम पहला डोज लेते हैं और सेकेंड डोज में ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी तबीयत बिल्कुल ब्लॉक है। तो जो चाहे जो हो जाए ब्लॉक को तो पूरी एनर्जी से शुरू करना ही होता है। तो इसी के साथ आज का हमारे इस ब्लॉक को शुरू करते। तो जय भीम, कैसे आप सब, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी फरार। तो कुछ दिनों से हमारे ब्लॉग में राहुल और मोहित नहीं दिख रहे थे क्योंकि ये दोनों गए थे अपने मामा के गांव। और अभी क्या चला राहुल मोहित, सभी लोगों को बोल दो एक बार जय भीम। जय भीम। हाँ, क्या कर रहे तुम दोनों? है ना, राहुल की ऑनलाइन क्लास चल रही है और ये उसको डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है ना। स्कूल कब चालू होगी तो ऑनलाइन क्लास कर करके बोर हो गया। ऑनलाइन क्लास कर करके बोर हो गया है राहुल, पता नहीं स्कूल चालू होती है या नहीं होती। कैसा करेगा जिंदगी भर, ऐसे ही ऑनलाइन ही पढ़ना है क्या कि स्कूल भी जाना है? हाँ, स्कूल जाना है कब, लेकिन स्कूल खुलेंगी कब, तब ना है कि नहीं। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही बेसब्री से वेट करें कि इनके स्कूल खुले, इनकी जो स्कूल वाली लाइफ है ये लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं ना। ठीक, और जहां पर भी जस्टिस की बात होती है, इक्वलिटी की बात होती है, वहां पर आपको बाबा साहब दिखते हैं। और हमारे तहसील में भी बाबा साहब की फोटो लगी हुई है। बैंक का कुछ इंपॉर्टेंट काम था तो उसको हम करके वापस घर आ चुके हैं। और तभी थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर चेक किया कि हमारा जो जय भीम मूवी आने वाली है, जिसके बारे में इसके कुछ पहले व्लॉग्स में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, तो उसी मूवी का ट्रेलर आ चुका है। तो उस मूवी का ट्रेलर का हम रिव्यू करने वाले हैं, हम रिएक्शन देंगे कि आखिर उस मूवी का ट्रेलर कैसा है, क्या क्या चीज़ें उस मूवी में होने वाली है। तो अभी उस ट्रेलर की शुरुआत करते हैं। காப்பாத்துறதுக்காக நாம அதை பயன்படுத்துறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இருக்கிற இடத்துக்கு பட்டா கிடையாது, ரேஷன் கார்டு கிடையாது, ஓட்டர் லிஸ்ட்ல பேரே கிடையாது. அது இவங்க தப்பா, சுதந்திரம் கடிச்சு 50 வருஷம் ஆக போகுது. यहाँ पर हमको कुछ ट्राइबल्स लोगों के ऊपर में कहानी दिख रही है और जो सुपरस्टार सूर्या है वो इस मूवी के हीरो है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए। वो एडवोकेट दिखाया गया यहाँ पर। तो और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बोल रहा है कि 50 साल आज़ादी के हो चुके लेकिन तभी भी ऐसे हमारे देश के अंदर में लोग हैं जिनका वोटिंग लिस्ट में और राशन कार्ड में नाम नहीं। और आगे देखते भी क्या तलेगी பாதிக்கப்பட்டவங்க யாரா இருந்தாலும் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நீதி கிடைக்கணும், அதை உறுதி செய்யறது இந்த நீதிமன்றத்தோட தார்மீக கடமை. ராசா கண்ணு மொசக்குட்டி இருட்டப்ப இந்த மூணு பேரும் ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர்ஸ். மனோஜ் போலீஸ் பீ கண்டினியூஸ்லி ஃபவுல் பிளேயிங் திஸ் கேஸ். आदिवासी समाज दिखाया गया है और आदिवासी समाज पे अत्याचार करते हुए पुलिस भी दिखाई गई है और दूसरे भी लोग दिखाए गए हैं। कुल मिला के 2-3 प्रकार का यहाँ पर अत्याचार दिखा रहा है, एक सामाजिक और शासकीय और राजनैतिक और प्रशासन, ये सभी लोग मिलकर किस प्रकार से एससी एसटी का शोषण करते हैं उसको उन्होंने चित्रित करने की कोशिश किया है। पॉलिटिक्स पना देंगे सर, द केस इज नॉट अ पार्टी बट अ टूल, दिस केस इज नथिंग बट अ स्कैंडल, इनमें द लोकल पुलिस हैंडल பண்ண கூடாது, दिस इज अ फिट केस बिहाइंड ऑल ऑफ द सीबीआई। அந்த போலீஸ் உண்மை ஒத்துக்குறாங்களா? ஒரு உண்மை சொல்றாங்களா அப்புறம் உண்மைகளை மறைக்கறாங்கன்னு அர்த்தம். We want a CBI inquiry my lord. This case is getting bigger day by day. சிஎம் கவனத்து போறதுக்குள்ள இந்த கேஸ நம்ம முடிச்சாலும் தப்பு பண்றவங்களுக்கு பதவி பணம் ஜாதினு நிறைய இருக்கு சார், பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நாம தானே இருக்கோம்.
அந்த நாலு குடிசையும் கொளுத்தி விடுறதுக்கு எம்மா நேரம் ஆயிடும்? ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்தணும்னா சில நேரங்களில் சர்வாதிகாரத்தை கையில எடுத்துதான் ஆகும். நீதிக்காதரான வார்த்தைகளை விட அநீதிக்கு எதிரான நீதிமன்றத்தின் மௌனம் ஆபத்தானது. சந்திரு, பத்தினால என்னத்த சாதிச்சிட போறீங்க? ஒரு இன்னசென்ட் ட்ரைபல் உமனுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும்னு போராடுறேன். கோர்ட்ல நீதி கிடைக்கலன்னா ரோட்ல இறங்கி போராடுவேன். போராடுறதுக்கு லா எனக்கு ஒரு வெப்பன். தட்ஸ் ஆல். मूवी जो होती है वो समाज का आईना होती है ऐसा बोलते हैं, और समाज के अंदर जो अन्य अत्याचार होते हैं तो उसमें एट्रोसिटी होते हुए दिखाई दे रही है आदिवासी समाज पर. आदिवासी समाज के ऊपर एट्रोसिटी तो हो रही है, समाज के अंदर हो रही है, लेकिन उसका साथ प्रशासन ने देना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रशासन उनका कहीं भी साथ देते हुए नजर नहीं आ रहा है. जो लॉयर है, मतलब जो सुपरस्टार सूर्या है, वो बोल रहे हैं कोर्ट को, अगर कोर्ट भी अगर अन्याय का अगर सपोर्ट में खड़ा है ना, अगर उसके चुप्पी अगर साधे हुआ है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है. अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद इसका मिला जुला एक संगम दिखाई पड़ता है मूवीज के अंदर. मूवी के अंदर साउथ का जो एटमोस्फियर है वो दिखाने की कोशिश, मूवी पूरी देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसको जो मार्क्सवादी जो टच दिया गया है एक्चुअली उनका पीछे का क्या इंटेंशन है. क्योंकि हम अम्बेडकरिज्म और मार्क्सिज्म को अगर मिलाने की कोशिश करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा खुद बाबा साहब बोलते हैं. तो ये मूवी जो है वो प्राइम Amazon Prime पर आने वाली है. दो नवंबर को ये मूवी आएगी, दो नवंबर को आएगी जी. और जैसे ही मूवी आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि Amazon Prime पर हम देख पाए. मूवी तो ये हिंदी में नहीं है, साउथ की लैंग्वेज में, तमिल में, लैंग्वेज तमिल में ये सबटाइटल देख के हम समझने की कोशिश करेंगे. और जब हिंदी डब आएगा तो तब और अच्छी तरीके से इसको देखेंगे. तो आप भी Amazon Prime पर 2 नवंबर को इस मूवी को देखिएगा. हमने जो हमारे रिएक्शन थे फर्स्ट टाइम ने इसको देखा है पहला ही, और वो रिएक्शन आपको दिखाने की कोशिश की है. तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस मूवी का ट्रेलर कैसा लगा. ऑलराइट, तो अभी शाम का समय हो चुका है और एक शादी मुझे अटेंड करना, और बाकी हमारे सभी साथी वहां पर पहुंच चुके, तो मुझे जल्दी से यहां पर रेडी होना है. और जितने भी हमारे व्यूवर्स है उनको पता है, जो पुराने उनको तो पता ही है हम कैसे चुटकियों में रेडी होते हैं. तो आज फिर से वो हम करके दिखाने वाले. तो चुटकियों में रेडी होने का जो टेक्निक है वो सिंपल सा, इस तरीके से अपना शर्ट लेना है और आपको 1 2 3 ऐसा काउंट करना है. तो इस तरीके से आप शर्ट पहन लेंगे. तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है जो कि एडिटिंग का खेल. मोहित, तो मोहित अभी रेडी हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, और आज के जो प्रोग्राम है मोहित भी हमारे साथ रहे, है ना? ठीक. तो ये देखो अभी हमारे साथी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं. हितेश, संदीप, जय भीम सभी को. हाँ, आ गया. ठीक है. ये मोहित ने गुपचुप खा लिया है. अभी ये जस्ट हितेश आया है, संदीप भाव ने पूरा ठूस लिया गुपचुप. ये बच्चों के साथ में ये लोग गुपचुप खा रहे हैं. अच्छा. और पीछे में सेल्फी स्टैंड है, और सेल्फी स्टैंड पर ये लोग फोटोज निकाल रहे हैं, और फुल्ली इस आज के इस प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं. ये मोहित प्लेट ले लिया है. ये भाव ने भी अभी प्लेट ले लिए है. अभी हम खाना लेते हैं, और काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर है कि नहीं मोहित, देखा ना अपन ने. तो भाई खाना यार हो गया खाना. मोहित कैसा लग रहा है? तो खाना वगैरह सभी का कंप्लीट हो चुका है, और खासकर सबसे ज़्यादा किसने खाना खाया? जो हर बार साहिल सबसे ज़्यादा खाना खाता था उसने ही सबसे ज़्यादा खाना खाया है. और इनके फ्रेंड के सिस्टर की शादी, कैसा लगा आपको शादी? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय की हमने. ठीक है, तो ये सभी लोग रुके हुए, अभी मुझे जल्दी जाना है, तो अभी घर में जाकर ये ब्लॉग को अपन फिनिश. फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और आज के ब्लॉग में इतना ही, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है. तो जय भी मूवी आने वाली है, और देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कैसी ये मूवी होने वाली है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में होंगी. अब ये 2 नवंबर
नंबर की मूवी आएगी तो हम सभी लोग जरूर इस मूवी को देखें। इसका रिएक्शन व्लॉग भी मैं जरूर बनाने वाला हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में कोई भी चीज आपको पसंद आएगी लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक के जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय।